जिस देश में आज भी सबसे ज्यादा हकमारी ओबीसी समाज के लोगों की हो रही है। बताओ आप इस समय SC ST ओबीसी का वोट अगर नहीं मिलता तो ये इतनी बड़ी ताकत में ये सरकारें बैठी होती क्या? उनका तो तोड़ने और नफरत का काम है, हमारा काम तो जोड़ने का है। भारत के संविधान में लिख कर चले गए कि महिला और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं रहेगा, सब बराबर रहेगा। समझदार को इशारा काफी, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान और रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। जिन्हें जवानी में चमचागिरी की लत लग जाती है उनकी सारी उम्र दलाली में गुजर जाती है। एक चेहरे पे कई चेहरा है भाई। जब तक गुजरात के मुख्यमंत्री थे कभी अपनी जाति नहीं बताई ना। रेल बिक गई, बैंक बिक गया, नौकरी बिक गई, आपके बच्चों की शिक्षा बेच दिया है भाई। आप यहाँ दिल्ली में ठाट से यहाँ रहते हैं, बुद्ध विहार बनवाया है और लोगों को 10 बजे रात तक की परमिशन मिलती है और ये लोग 4 बजे रात तक का परमिशन लेकर के यहाँ पर बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। ये आपका संविधान की वजह से संभव हो पाया। अगर संविधान नहीं होता तो ये मौका मिल पाता क्या? इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर की अहमियत है कि उन्होंने सबको बराबरी का मौका दे दिया। और एक बात सोचो ना, इस देश में लोगों को उनको जब मौका मिला कलम और किताब पकड़ने का तो उन्होंने मनुस्मृति लिख दी। महिलाएं बचपन में पिता के अधीन, जवानी में पति के अधीन और बुढ़ापे में पुत्र के अधीन रहेंगी। बाबा साहब को मौका मिला तो उन्होंने कहा महिलाओं को उत्तराधिकार मिलेगा, संपत्ति का अधिकार मिलेगा, वोट का अधिकार मिलेगा, काम के घंटे कम होंगे और उनको चाइल्ड केयर लीव, मैटरनिटी लीव मिलेगी। और भारत के संविधान में लिख कर चले गए कि महिला और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं रहेगा, सब बराबर रहेगा। उनके पुरखों को मौका मिला तो मनुस्मृति में लिख दिया कि अगर आप मुख से पैदा होते हैं तो किसी की हत्या भी कर देंगे तो आपको कोई सजा नहीं मिलेगी। आप समझ रहे हैं ना मैं किसकी बात कर रहा हूं? समझदार को इशारा काफी। जिस मंच पर महात्मा फूले और बाबा साहब की बात हो उस पर इशारे में बात उन लोगों की जाए जिनसे आपकी लड़ाई है। तो उनको मौका मिला तो उन्होंने ऐसा दस्तावेज बनाया कि वो हत्या भी कर दे तो कोई सजा नहीं और हमारे लोग अगर चीटी भी मार दे तो उनको बड़ी बड़ी सजा मिलेगी। बाबा साहब को मौका मिला तो ये नहीं कहा कि अब हमारे लोग ऊपर होंगे और ये मुख से पैदा होने वालों का अधिकार छीन लो, इनको वोट देने का अधिकार न दो। अरे बाबा साहब होने का मतलब समझो, अपने लोगों को तो हक अधिकार दिया ही दिया, उनको भी मौका दे दिया जिन्होंने बाबा साहब के लोगों का हक अधिकार छीन लिया था। लेकिन आज भी डॉक्टर अंबेडकर की जयंती वो लोग नहीं मना पाते। मैं तो आज भी एक शिकायत करता हूं और बधाई दे रहा हूं इस मंच के आयोजकों को। इन्होंने बार बार एक बात पर जिक्र किया है, जोर दिया है कि हम लोग SC ST OBC समाज के लोगों को जोड़ करके मंच पर वक्ता भी बनाए, जयंती भी साझा मना रहे, इनकी कमेटी में भी सारे लोग शामिल हैं। यहां है बहुजन एकता और ये है बाबा साहब के सपनों का भारत जिसमें सब मिल करके रहेंगे। और एक आध सुझाव और आपको, अगली बार जयंती मनाइए तो इस मंच पर महिलाओं की तादाद पुरुषों से ज्यादा होनी चाहिए, आदिवासी भी इसमें हो और पसमांदा समाज के भी लोगों को अपतिथि बनाइए, सबको मिलाइए। इस जयंती का मकसद क्या है? इस जयंती मनाने का मकसद दो है मेरे हिसाब से। इस जयंती मनाने का पहला मकसद यह है कि हम अपने इतिहास को जाने और दूसरा मकसद यह है कि जो सपना देखा था बाबा साहब, फूले साहब, पेरियार साहब ने, उसके बारे में जाने कि वो पूरा हुआ कि अधूरा है, ये जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? अगर बाबा साहब के सपनों का भारत बन गया होता तो हमारा काम केवल जयंती मनाने से चल जाता। लेकिन अभी जयंती मनाने के बाद क्या करना है इस पर भी विचार करना है, क्योंकि बाकी हमारे पूर्व के वक्ताओं ने बहुत शानदार बातें कह दी, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। और यहां तो जागरूक समाज बैठा है,
इनको अब मैं समझाने की, मेरे बगल में जो बैठे हैं बाबूजी, ये माननीय कांशीराम साहब के साथ काम किए हैं, अब उनके बगल में बैठकर और उनके सामने कोई भाषण दे सके इतनी हिम्मत तो हमारी नहीं होती। हम इनके बगल में हिम्मत लेते हैं कि माननीय कांशीराम साहब के बारे में, कांशीराम की नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई, वैसा कौम जगा कर गए, हमें तो जगाने वालों को बस आगे बढ़ा देना है हिम्मत हौसला बढ़ाकर। तो कोई नई बात नहीं करने आया मैं, बस थोड़ी से दो चार बात कह करके, दो चार किस्सा सुना करके कि जयंती मनाना जरूरी है ताकि हिम्मत हौसला मिले। ये नौजवान लोग आए हुए हैं, बुजुर्ग लोगों के साथ खड़े होकर महिलाएं और बच्चे बच्चियां आए हुए हैं, ये लोग जब इस जयंती से जाएंगे, अगर पहली बार आए हैं तो घर जाकर अपने माता पिता से पूछेंगे कि ये किसकी जयंती मनाई जा रही है। और जब बाबा साहब की तस्वीर, बाबा साहब फूले साहब के बारे में माता पिता से किस्सा पूछेंगे कौन थे ये, और आप किस्सा बताएंगे, तब समझिए कि जयंती मनाने का मकसद सफल होगा, ताकि ये रोशनी आगे तक जलाए और आगे तक रोशनी उजाला फैलाए। और बाबा साहब कैसा सपनों का भारत बनाना चाहते थे, जिसमें सबको शिक्षा मिले, जिसमें सबको सबका अधिकार मिले, कर्मकांड अंधविश्वास खत्म हो और सब लोग मोहब्बत प्रेम से रहे, सब लोग प्रेम से रहे, कोई किसी से नफरत न करे। लेकिन आज कौन सा भारत बनाया जा रहा है? बाबा साहब के सबसे बड़े वारिस मानवर कांशीराम ने एकजुटता का संदेश दिया था, मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। मानवर कांशीराम 85% बहुजन की बात करते थे, जिसमें एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी सारे लोग थे। इसलिए मैं इस मंच से ये बात कह रहा हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर को ओबीसी घरों में भी अब ले जाने की जरूरत है, आदिवासी और जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जा रहे हैं, खूब अच्छे से जा रहे हैं, थोड़ा समय लगेगा। वो कहते हैं ना, हम लोग बचपन में किस्सा सुनते थे, करत करत अभ्यास थे जड़मति होत सुजान और रसरी आवत जात थे सिल पर परत निशान। हमें अभ्यास करना है, हमें अपने लोगों को समझाना है, जैसे ना वो ओबीसी समाज के लोगों को ये बात समझाएंगे कि डॉक्टर अंबेडकर ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया तो तीन बातों में से पहली बात हिंदू कोड बिल उसका लागू न किया जाना, और दूसरी बात थी ओबीसी के लिए अनुच्छेद 340 में जो कमीशन बनाना था ताकि ओबीसी की गिनती हो और उनको गिनती के आधार पर आरक्षण मिले, प्रतिनिधित्व मिले, हिस्सेदारी मिले, वो न काम हुआ, इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। ये बात जब तक ओबीसी के घर घर बताएंगे, दोनों बाहें खोल करके ओबीसी एक दिन ऐसा आएगा डॉक्टर अंबेडकर को अपना मानना शुरू कर देंगे। अभी हमें ये बात उन लोगों तक ले जानी है, डॉक्टर अंबेडकर को। आजकल कुछ लोग कहते हैं ना कि उनका धर्म खतरे में है, जागो तुम ओबीसी लोगों, दलित लोगों, आदिवासी लोगों, हिंदू हो। एक शख्स का नाम ले रहा हूं और उसके बारे में जब मैंने पढ़ा तो देखा कि इतिहास क्या है, शिवदयाल सिंह चौरसिया। शिवदयाल सिंह चौरसिया ने आदि हिंदू सभा बनाई और जब कुछ मुखद से जाए थे ब्राह्मण उनके पास गए, उन्होंने कहा कि मैंने आदि हिंदू सभा बनाई, इसकी सदस्यता भी ले लीजिए। तो उन्होंने कहा कि हम हिंदू थोड़े ही हैं, हम तो आर्य हैं। शिवदयाल सिंह चौरसिया ने कहा कि अब तक तो समझते थे कि तुम भी हिंदू हम भी हिंदू, लेकिन जब तुम आर्य कह रहे हो अपने को तो जाओ आज से हम भी हिंदू नहीं। उन्होंने बैकवर्ड क्लासेस लीग, डिप्रेस क्लासेस लीग वैसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया, पेरियार ललित सिंह यादव, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु और शिवदयाल सिंह चौरसिया, इन सारे लोगों ने मिलकर 1948 में लखनऊ में एक अधिवेशन किया पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का, और उसकी अध्यक्षता करने के लिए किसे बुलाया, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। यह है बहुजन एकता जो हमारे पुरखे बना के गए हैं भाई, हमें तो वो इतिहास लोगों को बताना है। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उस जगह पर ओबीसी समाज के लिए एक बात कही थी, जो उनके वारिस मानवर कांशीराम ने एक ही किताब लिखी अपने जीवन में। उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने किताबें बहुत पर्याप्त लिखी, हमारे पुरखे लिख दिए हैं, अब मुझे लोगों को जोड़ना है, लेकिन फिर भी एक किताब लिखी, उसका नाम बताओ आप लोग क्या लिखा था मानवर कांशीराम ने, चमचा योग। न हो तो पढ़िएगा, मजा आएगा, और आजकल तो और उसे पढ़ा जाना चाहिए।
जिन्हें जवानी में चमचागिरी की लत लग जाती है उनकी सारी उम्र दलाली में गुजर जाती है। मनोहर कांशी राम ये बात कह के गए और उन्होंने कहा कि भाई जो हक अधिकार की बात में करे वो आपकी जाति का होकर के भी किसी के हाथ का चमचा है। और उस किताब में वापस मनोहर कांशी राम ने ये बात दोहराई जो बाबा साहब ने 1948 में कही थी कि देश में आज भी सबसे ज्यादा हकमारी ओबीसी समाज के लोगों की हो रही। और अब मैं खुशी से ये बात साझा कर रहा हूं, इस साल के पहले तक बाबा साहब की जयंती किसी ओबीसी सम्मेलन में मनाने के लिए मुझे नहीं बुलाया गया था। ओबीसी समाज के लोग अलग अलग सम्मेलन करते हैं इस देश में, लोहिया को याद करते हैं, बाबू जगदेव बाबू को याद करते हैं, पेरियार को याद करते हैं। और मैं कानपुर गया हूं पेरियार ललित सिंह यादव के गांव में, लोग अपने पुरखों को धीरे धीरे याद कर रहे हैं। लेकिन इस साल एक नायाब चीज मेरे साथ हुई कि मैं जब छत्तीसगढ़ गया तो जब उन लोगों को पता चला कि मैं भिलाई में कार्यक्रम में आ रहा हूं तो मेरे पास फोन आया कि भाई आज तक दलित समाज के लोग वहां पर अंबेडकर जयंती मनाते हैं और आपको बुलाकर सम्मानित करते हैं। मैंने भी कहा हाँ भाई, इस देश में जितना जागरूक इस देश का दलित समाज है, शेड्यूल कास्ट समाज है, इसका आधा जागरूक अगर बाकी समाज हो जाए तो ये देश सोने की चिड़िया बनने से नहीं रहेगा। और तब उन लोगों ने कहा कि आपकी बातें सुनते हुए हम ओबीसी समाज के लोग और सारा ओबीसी मिल करके बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मना रहा है और उसमें आपको वक्ता बनाकर बुला रहा है। मैं अपना पहले वाला कार्यक्रम छोड़ करके पहले वो ओबीसी समाज के कार्यक्रम में गया और वहां बाबा साहब की जयंती मनाने हुए लोगों को सलाम करके आया हूं। ये भारत बदल रहा है भाइयों, बस कुछ दिन की और बात है, हम लोगों को एकजुट करने में कामयाब हो जाएंगे। बदलाव आ रहा है, बस चढ़ाना नहीं है किसी को। अगर हम अपने लोगों को चढ़ाएंगे, ताना मारेंगे तो वो सुधरेगा, हमसे छिटक जाएगा। जैसे आजकल कई लोग कुछ कहते हैं कि भाई जोर से वो जय भीम बोलते हैं और हाथ में कलावा भी बांधते हैं। अब मान लो आप उसको चढ़ा दोगे और कैंची ले घूमोगे, अभी कलावा काटो नहीं तो बाबा साहब के सच्चे वारिस नहीं हो। मान लो वो दबाव में काट लेगा, अभी मन से तो वो गया नहीं है डर ना, बाहर जाके दूध कलावा बांध लेगा, आप क्या करेंगे और अगली बार आपके कार्यक्रम में नहीं आएगा। बाबा साहब भी किसी की कैंची लेकर नहीं घूमे, बाबा साहब ने लिखा पढ़ा बोला और घर घर लोगों को समझाया। बाबा साहब को भी पता था जिस दिन मेरे मिशन मूवमेंट और किताबें लोगों के पास पहुंचने लगेंगी, बिना जगाए उनका समाज धीरे धीरे जागने लगेगा। और मैं वैसा भारत आज देख रहा हूं कि बाबा साहब को पढ़ते हुए लड़ने की हिम्मत लोगों में आ रही है। हमें बस थोड़ा सा धैर्य संवाद करना है। भाई बाबा साहब के खिलाफ भी तो उन्हीं की जाति के लोगों को खड़ा कर दिया गया था। आगरा में सम्मेलन किया था लोगों ने कि बाबा साहब हमारे नेता नहीं है, फिर भी बाबा साहब ने कहा कि भाई आज ये समाज भी नहीं जाग रहा है, एक दिन आएगा वो जागेगा। हमें प्रेम से संवाद करना है, लोगों को समझाना है और समझाने में थोड़ी सी नाक छोटी करिए, दिल बड़ा करिए, लोगों को समझाइए, जोड़िए। कोई अगर आपकी बात एक बार नहीं मानता, दो बार समझाइए, तीसरी बार बताइए। आजकल अब ये मंच से शोभा तो नहीं देता, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं क्योंकि जिसको आप दुश्मन मानते हैं उसके काम करने की शैली देखिए। एक आरएसएस का आदमी जाति देखकर पता है कि ये हमारा वोटर नहीं है, ये कोई अंबेडकर को मानने वाला, कोई फूले को मानने वाला, कोई इस पार्टी को, कोई उस पार्टी को वोट देने वाला हमारा आदमी नहीं है, फिर भी वो आपके घर में आता है और आप कहेंगे बाहर जाओ तुम्हारा यहाँ काम नहीं, फिर भी कहेगा अरे नहीं बस आपके घर एक गिलास पानी पीने के लिए हम आए थे। वो आपको दुत्कारने के बाद भी कहेगा भाई साहब एक गिलास पानी पिला दीजिए, और ऐसा मीठा जहर घोलेगा कि अगली बार आपको पानी पिलाने किसी और तालाब के किनारे लेके चला जाएगा। बताओ आप इस समय एससी एसटी ओबीसी का वोट अगर नहीं मिलता तो ये इतनी बड़ी ताकत में ये सरकारें बैठी होती क्या? इसका मतलब कुछ तो भटकाया जा रहा है ना हमें, क्योंकि वो आपके घर भटकाने आ जा रहा है। ओबीसी में सारा हक किसने मार लिया? वाहिरपुर में कोई नहीं, शेड्यूल कास्ट में सारा हक कौन मार लिया? ये जाटवों ने मार लिया। शेड्यूल ट्राइब में कौन मार लिया? ये आदिवासियों ने। और आप भी तो हाँ हाँ इन्होंने मार लिया और आप नाराज होकर उधर चले गए।
तो हमें उनसे ये उनका तो तोड़ने और नफरत का काम है, हमारा काम तो जोड़ने का है। उनका काम आसान है, हमारा काम मुश्किल है। फिर भी हमारा काम आसान क्यों है? क्योंकि हमारी आबादी इतनी है कि बताओ अगर इस देश में 90% लोगों में से 45% लोग भी जागरूक हो जाएं, तो इस देश में सबसे बड़ी कुर्सी पर कौन बैठेगा? जिसे आप तय करेंगे। क्योंकि 31% वोट पाकर के तो लोग प्रधानमंत्री बने बैठे, और प्रधानमंत्री बने बैठे हैं दिल में गोट से गोलवलकर हेडगवार, और 14 अप्रैल को बाबा साहब की मूर्ति पर माला पहना रहे हैं, वो भी जो दिल में गोट से गोलवलकर हेडगवार को लगते हैं, और दोनों हाथ फैलाकर बोलते हैं। अभी सर मैं देख रहा था 21 अप्रैल को इस देश के प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा और भाषण दिया, इस देश के प्रधानमंत्री ने भाषण दिया कि दुनिया में कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका जवाब गौतम बुद्ध दे के न गए हो। बड़ा खुशी हुई मुझे भी। उन्होंने कहा कि दुनिया को इंसानियत का पाठ अगर किसी ने पढ़ाया तो उनका नाम था तथागत गौतम बुद्ध। और थोड़ी ही देर बाद उनका पुराना ट्वीट देख रहा हूं तो उसमें दिख रहा है अमेरिका में जाके भाषण दिए कि मैं युद्ध के देश से नहीं बुद्ध के देश से आया हूं, और जब भारत में देख रहा हूं तो बुद्ध के मानने वालों के खिलाफ युद्ध खड़े हुए हैं। ऐसे लोगों के आप सामने लड़ाई लड़ना है। एक चेहरे पे कई चेहरा है भाई। जब तक गुजरात के मुख्यमंत्री थे कभी अपनी जाति नहीं बताई ना, तो जब प्रधानमंत्री बनना हुआ तो दोनों हाथ फैला के कहा मैं ओबीसी माँ का बेटा हूँ, 35 साल भीख मांग के मैंने जीवन जिया है, मैं तो स्कूल कॉलेज का मुंह ही नहीं देखा हूँ। भीख मांगने वाली बात पर सुमित भाई ने भी बड़ी शानदार बात की, उनके लोग भीख मांगने को भी गौरवान्वित करने वाली बात कहते हैं, और हमारे लोग सबसे महत्वपूर्ण बात क्या कहते हैं? श्रम करके जीवन जीने की बात करते हैं, मेहनत करके जीवन जीने की बात करते हैं, चाहे वो कबीर हो, चाहे रविदास हो, गुरु नानक हो, पलटू दादू भीखा पुल्ले शाह बाबा फरीद हो, ज्योतिबा फूले हो, पेरियार हो, या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, मेहनत करके खाने की बात करते हैं। और इसीलिए हमारे यहाँ एक शब्द दिया गया है श्रमजीवी। 90% कमेरा लोग हैं और 10% लुटेरा हैं, जिनके लिए शब्द दिया गया है परजीवी। 90% लोगों का पैसा ये परजीवी लोग लूट के जा रहे हैं। यह है अम्बेडकर के सपनों का भारत, जिसमें हमको वापस अपना पैसा लेना है। और पैसा कहां कहां से ले जा रहे हैं? सौगंध मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं बिकने दूंगा, याद है कि नहीं भाई? कुछ बात तो कंटेम्पररी आज की करनी जरूरी है कि नहीं? पता चला जयंती मना के गए और वोट बोले कि गया, वो बेच रहे हैं भारत को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं, सौगंध मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं बिकने दूंगा, समझ गए ना? मैं रेल में चाय बेचा हूं, चाय बेचते उसे किसी ने नहीं देखा, रेल बेचते हुए पूरा देश देख रहा, फिर भी उसके भक्त कहते हैं कि कहां कुछ बेच रहा है। रेल बेच गया, रेलवे में आज भी सबसे ज्यादा कर्मचारी आपके समाज के, हमारे समाज के हैं। रेलवे क्यों सबसे पहले बेची गई इसके षड्यंत्र को समझिए। रेल बिक गई, बैंक बिक गया, नौकरी बिक गई, आपके बच्चों की शिक्षा बेच दिया है भाई। और मैं तो दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाता हूँ, शिक्षा महंगी हो गई। गौतम साहब अभी बहुत शानदार बात कह रहे थे, चंद रुपए में सर हम लोग शिक्षा पाए हैं तब यहाँ खड़े हैं। आपके बच्चों को आप चंद रुपया क्या कितना रुपया दे लीजिए, अच्छे स्कूल में शिक्षा नहीं मिलेगी, फिर बाबा साहब के सपनों का भारत कैसे बनेगा? और अगर शिक्षित और जागरूक जनता नहीं हुई तो मानसिक रूप से कंगाल पैदा होगी और किसी अंधविश्वास में फंस जाएगी। एक बार कोई आदमी किसी बहुजन आदमी के सामने गया और कहा कि मुझे पानी पर चलने की कला हमने विकसित कर ली, और पानी पर चलकर दिखा दिया। तो उस आदमी ने बुलाया और कहा कि कितना साल इस तपस्या को करने में तुमको लगा? तो उसने कहा 30 साल तपस्या की तब पानी पर चलना सीखा हूं। तो कहा पर हम तो 3 दिन में तो नाव बना दिए और देखो जहां मन करे वहां पानी पर तैरा लेते हैं, 30 साल तुमने खर्च कर दिया, अब इस 30 साल को हम और नाव बनाने में काम करेंगे। नाव बनाई हमारे पुरखों ने, लकड़ी का काम किया हमारे पुरखों ने, लोहा कुमार लोहार बड़ई नाई मोची निषाद मल्ला, मेहनत से श्रम करके दिमाग से अपने औजार बना करके इस दुनिया को रहने लायक जिनके बच्चों ने बनाया, जिन पुरखों ने बनाया, आज उनके बच्चों को अंधविश्वास की बेड़ में धकेला जा रहा है।